दरियाबंद के ग्राम रावण के सैकड़ों ग्रामीण धर्मांतरण के विरोध में राजिम थाना पहुंच गए। दरअसल ग्राम के उप सरपंच दीपक साहू व ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कुछ लोग ईसाई धर्म अपना कर गाँव के छोटे बच्चों को पत्रिका बांट कर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिससे गाँव में तनाव की स्थिति है। साथ ही कहा कि जब धर्मांतरण गतिविधियों को बंद करने कहा तो धर्मांतरण कराने वाले लोग थाना में ग्राम प्रमुखों के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीण थाना पहुंचकर धर्मांतरण गतिविधियों को बंद करवाने व उक्त लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ मंडन करने पर उन किसान लोग हम लोगों के हाथ गाली गलौज के हमारे देव, जिससे हम लोग आक्रोशित हैं। पूरे गांव वाले और गांव वाले मिलकर उनके ऊपर कार्रवाई करने हम लोग थाना में आए हैं और थाना में उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई, इससे हम लोग मांग करने थाना में आए हैं। प्रचार कर रहे हैं गरीब घर, हमारे गांव में 12 से 15 लोग हैं। क्या कर रहे हैं? जो लगातार यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का मन। मामला ये है कि हमारे गांव पंचायत रावण में कुछ 10-12 परिवार द्वारा धर्मांतरण कर चुके हैं। वो पूरा गांव वाला धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब हमारे गाँव के मुखिया द्वारा मना करेगी से तो आके गाँव वाला के खिलाफ झूठा रिपोर्ट लिखा है, ओकर विरोध में हमन पूरा गाँववासी थाना में हन। जब तक थानादार ओकर प्रति ठोस कार्रवाई नहीं करी तब तक हमन नहीं जान यहीं चेरा वो चाहथन कि ओकर खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और हिंदू धर्म वाला जो ठोस पहुँचाते ओकर रोक हो। कोई भी धर्म द्वारा ये जो पुस्तक है वाला वितरित करे जाते, ये पुस्तक वाला छोटे छोटे बच्चे वाला दे जाते, जेकर से और बताए जाते कि ईसाई धर्म वाला मानना है, प्रचार ऐसे टाइप से करे जाते। पुस्तक में ईसाई धर्म के बारे में लिखे है कि कैसे करना है, कैसे मानना है, कैसे पूजा पाठ जो भी विधि है उनकर, वो सब चीज़ लिखे। क्या चाहते हो आप? हमन ये चाहते हैं कि ये मन गांव का माहौल खराब कर रहे थे, तो ऐसे गांव का माहौल खराब मत करे, अपन धर्म में ही जाग प्रचार करे। हमारे जो हिंदू धर्म के जो बच्चे मन है वो मतलब गुमराह करके प्रयास मत करे।